नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशल। थाना बसंतपुर में प्राथमिक योगेश कुमार साहू पिता गोवर्धन लाल साहू उम्र 24 साल निवासी थाना डोंगरा गांव जिला राजनाथ गांव में थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि अपने निजी काम से मोटरसाइकिल होंडा एसपी 125 सीसी डेक्स क्रमांक सीजी 08 एवी 0386 से आया था, जो अपनी मोटरसाइकिल को LIC सैटेलाइट ऑफिस के सामने बोहारा चौक के पास खड़ी कर ऑफिस चले गए। 2 घंटे बाद वापस जाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल के पास आया तो देखा मोटरसाइकिल जहां खड़ी थी वहां नहीं था, कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले गया। रिपोर्ट दर्ज कराया। रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध 174/2023 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान 19/4/2023 को थाना बसंतपुर पुलिस की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना बसंतपुर स्थित पाताल भैरवी मंदिर के पास 2 व्यक्ति सस्ते दाम में मोटरसाइकिल बिक्री करने हेतु ग्राहक तलाश कर रहे हैं, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश व थाना प्रभारी बसंतपुर के नेतृत्व में बसंतपुर पुलिस की टीम मुखबिर द्वारा बताए उक्त स्थान पर जाकर व्यक्ति व वाहन को चिन्हित किया गया। पुलिस द्वारा दोनों संदिग्ध व्यक्तियों से बातचीत करने की कोशिश करने पर भागने का प्रयास करने लगे, जिसे पकड़ा गया। पूछताछ में एक व्यक्ति ने अपना नाम देवलाल सैन पिता स्वर्गीय महेश सैन उम्र 23 साल निवासी देवकट्टा थाना डोंगरगढ़ जिला रामनाथ गांव एवं एक विधि से बालक जिला के KCG का होना बताया गया। व्यक्तियों के वाहन के कागजात लेने और कहने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस प्रकार कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों के द्वारा मिलकर होंडा एसपी मोटरसाइकिल को फुहारा चौक से चोरी करना बताया। आरोपी देवलाल सेना को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की होंडा एसपी मोटरसाइकिल सीजी की कीमत लगभग 80,000 रुपए को जब्त किया गया। प्रकरण में 2 व्यक्तियों के द्वारा घटना को अंजाम देने से धारा 34 भादवी जोड़ी गई। आरोपी द्वारा अपराध धारा सदर का घटित करना पाए जाने से 19/4/2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्रवाई में निरीक्षक शिवचंद सावनी इब्राहिम खान आरक्षण विभाग सिंह एवं प्रवीण के सराहनीय योगदान रहा। नगरपालिका अध्यक्ष चितवर जायसवाल ने जिला अग्निशमन सेवा समिति के जाबाज जवानों को शॉल एवं श्रीफल से सम्मान कर उनका हौसला बढ़ाया। अग्निशमन सेवा द्वारा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को आगजनी के दौरान कैसे बचे इसकी जानकारी दी गई। 1 सप्ताह तक चल रहे जागरूकता अभियान का आज समापन हुआ। जिले में 2020 से अब तक 226 आगजनी की घटना हुई, जिसमें फायर कर्मियों ने सफलतापूर्वक आग पर काबू पाया। जागरूकता अभियान के अंतिम दिवस बलौदा बाजार के गार्डन चौक में फायर कर्मियों ने आग लगने और उससे कैसे बुझाए इस पर डेमो देकर लोगों को जागरूक किया। साथ ही अपील किया कि आग लगने के दौरान घबराए नहीं, शांत मन से उसका सामना करे तथा तत्काल हमें सूचित करे। अग्निशमन सेवा द्वारा ये जागरूकता अभियान अपने 66 शहीदों के जवानों की याद में मनाया जाता है, जो सन 14 अप्रैल 1944 में पोरबंदर में जहाज में आग बुझाने के दौरान अपने प्राणों को आहुति दिए थे। को बुझाया जाता है और अपनी जान की परवाह भी नहीं की जाती। बलौदा बाजार में जब भी जरूरत हुआ तुरंत 10 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की अपनी व्यवस्था को देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं फायर ब्रिगेड के समस्त अधिकारी कर्मचारी। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हुए हैं इसी बीच हमारे माननीय महापौर नगर पालिका अध्यक्ष चितावर जायसवाल जी अभी यहाँ पर आमंत्रित हैं और समय जो दे रहे हैं कितनी समय इन्होंने निकाल कर हमारे जवानों को फायर कर्मियों को सम्मान किया है, उसके लिए हम तहे दिल से अपने नगर सेना डिपार्ट फायर विभाग से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और ऐसे ही उम्मीद रखेंगे भविष्य में भी हमारे फायर कर्मियों का इसी प्रकार से उत्साहवर्धन करते हुए हौसला अफजाई करते रहें, ताकि कहीं भी छोटी बड़ी आग हो वहाँ पर हमारे यहाँ के जवान त्वरित अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए उसका सामना करें। जिले में एक ही दिन में 2 अलग अलग जगहों में आगजनी की घटना हुई, जहाँ पर दमकल विभाग की टीम ने मेहनत और सूझबूझ से आग पर काबू पाया।
पहली घटना पलारी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छेरकापुर में हुई, जहां 50 कट्टा धान जलने के साथ ही सारा सामान जल गया। वहीं धान बचाने के चक्कर में घर की महिला बुरी तरह झुलस गई और दमकल विभाग और गांव वालों की मदद से उसे जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां उसका इलाज किया गया। वहीं दूसरी घटना देर रात्रि कहरी बाजार के बस स्टैंड के समीप नंदू पटेल के घर में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में सब कुछ जलकर राख हो गया। करही पुलिस को सूचना मिलने पर बलौदा बाजार दमकल विभाग व नुवोगो सीमेंट से फायर पार्टी बुलाया गया, जो देर रात्रि आग पर काबू पाया गया। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया। फिलहाल जानहानि की कोई सूचना नहीं है, वहीं घर के सारे सामान जल गए। अक्षय कुमार पुलिस निर्देशक के निर्देश में श्री पोपलेश कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के हमार बेटी मार्गदर्शन में ग्राम बोघा टोला थाना मोहल्ला जिला मोहल्ला मानकपुर अंबागढ़ चौकी से सरकार की क्रांतिकारी अभियान हमार बेटी हमार मान कार्यक्रम के तहत महिलाओं को कानूनी अधिकार गुड टच और बैड टच छेड़खानी यौन शोषण बेटियों की सुरक्षा हेतु परामर्श प्रशिक्षण पराक्रम सहित कानून संबंधित अधिकारियों की जानकारी से अवगत कराया गया। साइबर क्राइम सोशल मीडिया क्राइम यातायात नियमों की जानकारी तथा बचाव की जानकारी दी गई। साथ ही उज्ज्वल भविष्य आत्मरक्षा अभिव्यक्ति अन्य महिला संबंधित अधिकारी के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई एवं अभिव्यक्ति एप्स को डाउनलोड कराया गया। इस कार्यक्रम में महिला संगठन के ग्राम सरपंच निर्मला मांडवी पंच गोदावरी मांडवी हेमबाई समस्त समूह की महिलाएं आदि अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में स्थित पुराने अंडरब्रिज को फिर से खोलने को लेकर डोंगरगढ़ शहर में आज कांग्रेस के बैनर तले आक्रोशित शहरवासियों ने उग्र प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शनकारी और पुलिस प्रशासन के बीच जमकर खींचातानी देखने को मिला। पहले प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में घुसने की कोशिश में थे, जिन्हें पुलिस द्वारा बलपूर्वक रोक दिया गया। आपको बता दें, जिसके बाद प्रदर्शनकारी ने रेलवे प्रशासन और सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान रोजा का सातवां दिन होने के बाद भी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान द्वारा काफी उत्साह देखने को मिला और मांग पूरी न होती देख वे जमीन पर ही लेट गए। रेलवे के संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई भी सकारात्मक जवाब न मिलने पर विधायक भुवनेश्वर बघेल और नवाज खान प्रदर्शनकारियों के साथ रेलवे स्टेशन से अंडरब्रिज खोलने के उद्देश्य को लेकर अंडरब्रिज के पास पहुंचने की कोशिश की, जहां पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें अंडरब्रिज के कुछ दूर पहले ही रोक दिया गया, जिसके बाद काफी खींचातानी और नारेबाजी के बाद रेलवे के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे और दो दिनों के भीतर अंडरब्रिज खोलने को लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट उच्च कार्यालय भेजने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। विगत कई महीनों से हम लोग ये अंडरब्रिज जो है कालका पारा से परमाल बारा तक का उसके लिए हम लोग लगातार शासन प्रशासन को रेलवे प्रशासन को हम लोग पत्रबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई जवाब आता नहीं है। और ये आपको सबको पता है कि भाई इधर हमारा कालका पारा वार्ड तरफ 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर वार्ड यहाँ पर पूरी निवास करती है और ये पटरी के उस पार मार्केट है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, इसमें आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है, जिसको लेकर आज हम लोगों ने ये धरना और प्रदर्शन का यहाँ पर कार्यक्रम रखा और एक रेलवे प्रशासन को जगाने का आगाह करने का ये अवसर मिला। और आज भारी मात्रा में यहाँ पर पूरे इस वार्ड के वासी माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हुई और हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। रेलवे प्रशासन ने पॉजिटिव रिपोर्ट दो दिन में बना के भेजने का आश्वासन आज दिया है और हम केवल मांग ये कर रहे हैं कि भाई रेलवे का जो ये अंडरब्रिज है लगातार 40 सालों से हमारे क्षेत्र के लोग आवागमन कर रहे हैं, हम मांग केवल ये कर रहे हैं कि हमारी जो टू व्हीलर है और जो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और पैदल यात्री जो मार्केट और हॉस्पिटल के लिए जाते हैं उनको यहाँ से आने जाने की सुविधा मिले। दिक्कत ये होता है कि बच्चे लोगों को ज्यादा परेशानी होती है, बाजार जाने के लिए ज्यादा परेशानी होती है, ये दिक्कत है हमको। रास्ता खोल देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर बीमार रहेगा आदमी तो मर जाएगा जगह में, लेकिन ये जगह नहीं खुलेगी, बस इतनी हमको आपत्ति है, इतना मैं बोलना चाहती हूँ, बस ये आपत्ति है। निश्चित रूप से रेलवे प्रशासन लगातार डोंगरगढ़ की जनता के हितों पर कुठाराघात कर रहा है। एक तो पहले केंद्र सरकार ने पैसेंजर ट्रेनें रद्द की,
और जो रोज आवागमन होता था यहाँ से, उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया। उसके बाद निर्माण के नाम पे अंडर ब्रिज बंद कर दिया गया। केवल अंडर ब्रिज बंद करने से इस 4-5 वार्ड के हमारे लोग इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमारी एक माँ बोल रही थी कि 2 दिन के अंदर नहीं हुआ तो हमारी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। मतलब सोचिए कितनी बड़ी पीड़ा है इस क्षेत्र के लोगों की। और डोंगरगढ़ की धर्मप्रिय शांतिप्रिय जनता अब उद्वेलित हो गई है। और अगर रेलवे प्रशासन ये सोच रहा है कि इस अंडर ब्रिज को हम किसी के डर या राजनीतिक दबाव में नहीं खोलेंगे, तो वो समझ ले कि जनता यदि नहीं खोलेंगे तो जनता अपना काम खुद कर लेगी और इसकी जवाबदारी रेलवे प्रशासन की होगी। अभी तो उन्होंने ये कहा है कि 2 दिन में हम पॉजिटिव रिपोर्ट बना के भेजेंगे और उन्होंने विश्वास जताया है कि हम इस पर कुछ पॉजिटिव करेंगे। और यदि रेलवे प्रशासन अभी भी आक्रमण रहा, किसी राजनीतिक दबाव के तहत अगर नहीं खोला जाता रहा, तो हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे और अगली बार हम सब खुद इस अंडर ब्रिज को खोल देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN 24।